जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फालतू फुकट गेमर में। और आप देख रहे हो लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा टीयर्स ऑफ द किंगडम। तो पिछले पार्ट में भाई हम लोगों ने बहुत ही दो इम्पॉर्टेंट श्राइन जो है वो कंप्लीट किए थे, और उससे हम लोगों को दो इम्पॉर्टेंट जो पावर है वो मिला था। एक पावर हमारा ये है असेंड करने का, कि ऊपर अगर कोई छत है तो हम लोग उसमें डायरेक्टली टेलीपोर्ट हो सकते हैं उसके थ्रू। और दूसरा जो है फ्यूज़ करने का पावर, मतलब कि वेपन्स या फिर कुछ लकड़ी वकड़ी होल्डर वोल्डर वो सब फ्यूज़ कर सकते हैं। एनीवेज इस पावर को हम लोगों ने थोड़ा ट्राई करके देखा था, जो कि बहुत ही अमेजिंग पावर है। मेरे ख्याल से मैं ये वाले छत पे भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ लोग दिखे थे तो उनको अपन निपटाएंगे। लेट्स सी, यहाँ पर छत पर चलते हैं हम लोग। छत पे सोया था बहनोई मैं तन्ने समझ। ओ मेरा कोल्ड रेसिस्टेंस जा रहा है, मेरे पास है क्या? और ओ तेरी, ओके ओके, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि वहाँ पे मुझे वो दिख रहा है। ये क्या चीज़ है? वार्म ग्रीव्स। ओ भाई बिल्कुल सही समय पे मिला है मुझे, देखो लकी लकीनेस होता है। और ऊपर से दो इसका वो है, नाइस, दो का डिफेंस है, तो ये अच्छी बात है। तो मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्या बोलते हैं, चिली बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे यहाँ पे कैंप फायर भी है, लेट्स गो टूवर्ड्स हियर और देखते हैं यहाँ पे क्या माजरा है। ये तो मेरे ख्याल से कर लिया था मैं, बट ये कहाँ से आ गया? ये रुचेश्वर सब भी टूटा क्या? नहीं टूटा, कोई बात नहीं, ये सब तोड़ चुका था, तो शायद ही मुझे सेकंड टाइम मिलेगा फिर से। बट लेट्स गो, यहाँ से थोड़ा सा लपक लपक के चलते हैं अपन। और रात भी हो गई तो फिर मतलब कि वो स्केलेटन वाले जो रहते हैं वो सब आने के चांसेस हैं। ऑलराइट लेट्स गो ओवर हियर, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दिख रही है मुझे, नाइस। मेरे पास अभी क्या है? वेपन में मेरे पास कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है? फ्लेम एमिटर स्पीयर। मेरे ख्याल से ये लोग स्टोन के बने होते हैं तो इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता। ये एक स्पीयर है मेरे पास, क्योंकि मेरे ख्याल से बेटर है, लॉन्ग रेंज में खेलना ज़्यादा बेटर रहता है। फ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, देख रहे हैं लोग? ओ तेरी, बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं यार ये लोग। ओके ऑलराइट, डबल अटैक करते हैं ये लोग, पता है? ऑलराइट चलो अच्छी बात है, हमें कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ मिल गई है। ये सब उठाते हैं और मुझे दो कॉन्स्ट्रक्ट बो मिले हैं, तो मैं जो है अपना ये वाला तो मैं ड्रॉप कर सकता हूँ और ये वाला भी मैं ड्रॉप कर सकता हूँ। कहाँ गया भाई मेरा वो? ये रहा। ए डैम इट, डैम इट, ये क्या चीज़ है? रस्टी ब्रॉडसॉर्ड, रस्टी ब्रॉडसॉर्ड यार उठा के कोई मतलब नहीं है। ऑक्टो रॉक अगर रहे तो हम लोग उसको पॉलिश करके नॉर्मल बना सकते हैं, लेकिन अभी तब तक ये लेके कोई मतलब नहीं है यार। किस किस मेरे पास है क्या कोई वेपन बचा हुआ? नहीं, ऐसा कोई भी वेपन नहीं है जिसमें मैं फ्यूज़ कर सकूँ इसको। एक काम करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर अगर कुछ वेपन मिल गया तो। आई डोंट थिंक यू कुछ मिला है, बट मैं एक काम कर सकता हूँ यार, मेरा एक शील्ड, कोई भी एक शील्ड है ना, जैसे ये रस्टी शील्ड है, रस्टी शील्ड पे मैं कर सकता हूँ फ्यूज इसको। तो ये रहते हैं और आई थिंक क्यों नहीं हो रहा है ये? हाँ हो रहा, हो रहा, हो रहा, कहाँ चढ़ा? नाइस,
और इसको मैं अगर ये करूँगा ओहो भाई, थोड़ा जोनाई चार्ज जो है वो यूज़, वो स्टोन एक्स भी है इसके पास। एक काम करते हैं अपन, ये वाला तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको फेंक देते हैं, स्टोन एक्स उठा लेते हैं और इसको भी एक बार देख लेते हैं। हाँ ये भी ऑलरेडी वो है, नाइस ओके। इससे क्या मिला था, ओपल मिला था ना। ऑल राइट, तो मुझे लग रहा है कि मुझे वापस वहाँ पे जाना पड़ेगा कि वहाँ पे कुछ दिख रहा है। लेट्स गो। मैं वैसे चाहूँ तो टेलीपोर्ट भी कर सकता हूँ, जो कि मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहेगा। आई थिंक यहाँ पर टेलीपोर्ट कर सकते हैं हम लोग। अच्छा इसमें टेलीपोर्ट नहीं है क्या? ओह माय गॉड ओके। मुझे ये भी पता है मेरी हेल्थ जो है थोड़ी सी डाउन है, मैं यहाँ से शायद ऊपर जा सकता हूँ। शील्ड सर्फिंग, ओके। तो शील्ड में अगर कुछ अटैच्ड है तो शील्ड सर्फिंग नहीं कर सकते। ओ इसमें नहीं जा सकता मैं, एक मिनट, शायद केव है ना यहाँ पर। हाँ यहाँ से ट्राई करते हैं। यस दिमाग है भाई छोरे के पास। ऑलराइट लेट्स गो ओवर हियर, और यहाँ से देखेंगे आगे क्या है। मुझे कुछ कुछ अलग अलग टाइप की चीज़ें दिख रही थी। मुझे फेरी भी ढूंढना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है यार। ओके तो वहाँ पर मुझे कुछ दिख रहा है, ये क्या चीज़ है? अच्छा ये भी बैठा हुआ है यहाँ पर। थोड़ा सा ये जगह देख लेते हैं, कहीं खोपचे खापचे में कुछ रहा तो। खोपचे खापचे में कुछ नहीं था। ओके भाई क्या हो तुम? ये क्या चीज़ है? माई ड्यूटी इज टू डे सर कंप्लीट। ओह दिस इज रेयरिटी, इट्स अनयूजुअल फॉर मी टू रिसीव विजिटर्स हियर। आई असूम यू विल रिक्वायर सोनाई डिवाइस डिवाइस डिस्पेंसर यूजिंग द डिवाइस सी द बॉल लाइक रिसेप्ट हैंड कैन बी डिपॉजिटेड हियर एक्सेप्ट रिसोर्सेज एज अ कॉन्स्ट्रक्ट हॉर्न एंड जोनाई चार्जेस द ऑल्टीट्यूड हियर इज इनक्रेडिबल हाई, इट इज नॉट नो इज इट आज टू डिसेंड द माउंटेन, दैट इज वाई आई एम प्रिपेयरिंग विंग टाइप जोनाई डिवाइसेस। अच्छा ओके, तो ये जो डिस्पेंसर है इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह के हिसाब से डिस्पेंस करता है ये जो जोनाई कैप्सूल्स है। तो सर डिस्पेंस बिफोर प्रोसीडिंग ओके, तो मुझे शायद जोनाई चार्जेस और ओके जोनाई चार्जेस है इसमें डालना पड़ेगा, जैसे कुकिंग करते हैं ना अपन वैसे ही लग रहा है मुझे। तो अभी कहाँ है मेरे जोनाई चार्जेस पूरे? एक मिनट इसको हम सॉर्ट कर लेते हैं और फिर देखते हैं नीचे की तरफ शायद मिलेगा मुझे। ओ इतने सारे कहाँ से आ गए मेरे पास? ऑलराइटी तो ये चीज़ चाहिए मुझे, या फिर ये कॉन्स्ट्रक्ट हॉर्न। ओके इसको एक बार पकड़ते हैं, तीन ही यूज़ करते हैं। मुझे लग रहा है तीन जो है ना स्वीट फिगर है। ठीक है च्यूइंग गम वम टाइप का मशीन जो होता है ना, व्हाट फ्लेम एमिटर फैन, और ये क्या है विंग। ओके बहुत अच्छी बात है। ओके भाई ये तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही है इससे, तो हम तीन करते हैं इसमें भी, ज़्यादा मैं वेस्ट नहीं करूँगा। पांच या तीन के जगह पे पोर्टेबल पॉट, नाइस कहीं पे भी कुकिंग कर सकते हैं शायद उससे। पैन, एक 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 लास्ट ट्राई करते हैं हम लोग।
कितने हो जाएंगे? चलो 4 डाल के देखते हैं। मुझे लग रहा है जित 5 डाल दिया क्या मैंने? ओ भाई साहब, ऑल राइट। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है यार, 5 डाला मैंने तो मेरे ख्याल से मुझे 12-15 कुछ मिल गया। ये क्या चीज़ है? यहाँ पे कुछ है? मैं यहाँ पे भर भी सकता हूँ ऐसा लग रहा है मुझे। सैंड यूज़ कर लेंगे अपन यहाँ पे। ये हुई ना बात, कुछ अच्छा मिला, चार्जेस मिलेंगे और क्या। नाइस। जीजीज एंड जीजा जीस हो गया था पूरा। 3 विंग पीछे कुछ है? ओके नाइस। तो मुझे अभी पहुंचना है टेंपल ऑफ द टाइम में, ठीक है। इसका हो गया था ना जुगाड़, कहाँ गया? बच गया मैं भाई, गिर जाता। ऑलराइडी, अभी टाइम क्या हो रहा है इसमें? 4 बजे सुबह के। ये क्या चीज़ है भाई? और ये मुझे नीचे भी दिखी थी, मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ से कुछ ट्राई करना चाहिए। प्लीज़ लगना मत। ये क्या बोल रहा है भाई साहब? डिवाइस विद द पिनकल ऑफ आवर टेक्नोलॉजी, वी बिल्ट आवर एडवांस टेक्नोलॉजी सिविलाइजेशन विद देम एंड फ्लरिश्ड फॉर मेनी ईयर्स। इफ़ यू कैन मास्टर द यूज ऑफ जोनाई डिवाइस। ओके, तो ऑब्वियसली ये जो गेम है पूरा जोनाई डिवाइसेस के ऊपर है। नहीं, इसको ग्रैब कर सकते हैं अपन। और मैं, मुझे लगता है ये इसका रैम्प है क्योंकि वो वहाँ पे रखा हुआ है ना। और इसके रैम्प में अगर मैं छोड़ देता हूँ इसको। ओए रुक रुक, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, भाई साहब ये तो मुझे डायरेक्ट पहुंचा देगा वहां तक। व्हाट? ओके, मैं अगर इधर जाऊंगा तो टेढ़ा होने का। ओ भाई मैं भर गया था, मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ भाई। ये तो क्या वंडरफुल चीज है, बट मैं वहां पे भी जा सकता था। बट इसके ऊपर क्या है? वो ऊपर भी मुझे कुछ दिखा था। ओके 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 ओके, बच गया अपन। वो गिर गया वो। ऑलराइट, तो हम यहाँ पहुँच तो गए हैं, पर मैं एक बार देखना चाहता था ऊपर क्या है। बट अपन नहीं करेंगे फालतू गिरी। यार ये गेम और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है सीरियसली। लिंक लिंक कहाँ हो तुम? ओ ये चीज ज़ेल्डा को मिली थी, ये क्या है? ज़ेल्डा ने इसका छोटा वर्जन अपने हाथ में पकड़ा था जब वो गिरी थी उससे पहले। ये उंगली करने की आदत नहीं चाहेगी लिंक की। अब क्या हो गया? वो शील्ड के पीछे देखो कैसे। ओ ज़ेल्डा, कितना खाई किलो डालडा, कितना किलो खाई डालडा। क्या इसके हाथ में क्या पकड़ाना है? हाथ धोई नहीं है सोच रहा है, पीला पीला वैसे ही दिख रहा है उसका शरीर।
उसमें उसके आंख में एक आंसू था, देखो उसके आंख में आंसू दिख रहा है। कुछ अलग ही चीजें हो रही है यहाँ पर। मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि जेल्डा जो है ना पास्ट में चली गई है, क्योंकि वो जो तावरू कावरू जो भी था ना बकरी। ओ, दो पावर और मिलेंगे हम लोगों को। नोइस, ये आ गया। आ रिकॉल द एबिलिटी, ओ रिवर्स करने का, टाइम रिवर्स करने का। भाई ये एबिलिटी जो है हम लोगों को उसमें दिखाया था, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं हम लोग। और मेरे ख्याल से जो आइलैंड्स हैं उस पे अगर रिवर्स आइलैंड का जो टुकड़ा गिरा रहता है जमीन में हाई रोल के ऊपर, तो उसको रिवर्स करके हम लोग वापस स्काई में जा सकते हैं। आ रिकॉल द एबिलिटी टू रिवर्स द मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट थ्रू टाइम। एंड जेल्डा हैज वैनिश्ड एज वेल। व्हाट यू जस्ट सॉ, इट्स अ मिस्ट्री इवन टू बी। परहैप्स इट वाज सॉर्ट ऑफ इको, एको वन दैट रिफ्लेक्ट्स हर शियर विल। दैट यू हैव नाउ बीन गिवन दिस एबिलिटी, नो डाउट इट विल प्रूव इम्पॉर्टेंट। ऑब्वियसली भाई सबसे इम्पॉर्टेंट पावर है, टाइम से रिलेटेड कोई भी पावर हमेशा इम्पॉर्टेंट रहता है। तो अच्छा, ये पूरा का पूरा सीन ही स्टॉप हो जाता है, मुझे लग रहा है कि मुझे। अच्छा, ओके, आई गॉटचा गॉटचा बेचा बेचा बेचा। इसको थोड़ा आने दो नीचे। बस ये करने का अपने को, और इधर खोदने का। इसको करने का बहुत टाइम है वैसे तो। एक मिनट, उधर कुछ है क्या? ना, आई डोंट थिंक। ओके ऑल राइट, ओके यहाँ प्रार्थना करना है भाई अपने को। द गॉडेस स्टैचू स्माइल्स अपॉन यू। वो सिर्फ स्माइल करके भाग गई है। अच्छा मेरे पास तीन ही है, तो मतलब एक श्राइन और है यहाँ पर। ओके चलो भाई जेल्डा से मिलते हैं। ओ भाई नहीं 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 एक एक मिनट, अभी मेरा हो गया था। दिस स्टोर स्टैंड्स इज अ टेस्ट ऑफ योर ओन ओवरऑल वाइटैलिटी। यू रिमेन इन द वीकेंड स्टेट, यू आर नॉट स्ट्रांग इनफ टू ओपन इट। भाई मैं तो फूड खा के मैं ट्राई करने वाला था, बट अच्छा हुआ तुमने बचा लिया मेरे हार्ट वेस्ट करने से। यू आर नॉट स्ट्रांग इनफ टू ओपन इट, बट देर इज़ वन मोर श्राइन ऑन दिस आइलैंड, देर यू कैन गेट अनदर ब्लेसिंग। नाइस, पर कहाँ है? इफ यू एड दैट टू योर अदर ब्लेसिंग यू कैन रिसीव एट श्राइन एंड ऑफर देम टू द गॉडेस यू माइट। ओके तो हार्ट बढ़ाना है हम लोग को, एक हार्ट से काम चल जाएगा शायद। लेट मी सी द प्यूरा पैड। द प्योर वेट लेस यू ट्रेवल टू। ओके तो अभी ये फास्ट ट्रेवल खुला है, जहाँ जहाँ पे ब्लू मार्क्ड है ना वहाँ पे हम लोग फास्ट ट्रेवल कर सकते हैं। नाउ सी ऑल ऑफ द ब्लू मार्क्स ऑन द मैप, यू कैन ट्रेवल इंस्टेंटली टू एनी ऑफ देम। सजेस्ट टू ओपन द, ओके अच्छी बात है। यूज द ट्रेवल फंक्शन टू रीच द दैट एरिया क्विकली। ओके यहाँ पर है। ऑलराइटी ऑलराइटी ऑलराइट, ओके तो हम जाते हैं मैप में और हमें यहाँ पर पहुँचना है। ये
रूम ऑफ अवेकनिंग जहां पे हमारी शुरुआत हुई थी। इंटरेस्टिंग हो गया है भाई। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग योरसेल्फ एट एनिमीज ओवर एंड ओवर ट्राई कुकिंग स्पेशल डिशेज। पता है। ओके मैं इस इनको वो रिवर्स कर सकता हूँ। हो गया ना कचड़ा, इज्जत का धनिया हो गया था। मुझे लग रहा है मुझे ऊपर जाना है फिर उसके बाद रिवर्स करना है। अच्छा मैं ऐसे नहीं जा सकता। ओहो ओके इधर से ही जाना पड़ेगा। अबे क्या कर रहा है लिंकू? ओके नाइस दिस इज वेल एंड गुड। ओके यहाँ नहीं जाना चाहिए था, मुझे लग रहा है कि उधर जाना है। ओके आई डोंट थिंक कि मैं वहाँ तक जा सकता हूँ, बट मुझे जाना क्यों है? वहाँ पर कुछ एक जगह दिख रही है मुझे। ऑल राइट एक लास्ट ट्राई करते हैं अपन। यहाँ पे शायद कुछ सीक्रेट है। नाइस अच्छी एबिलिटी है, थोड़ा सा ध्यान दे के यूज़ करना पड़ेगा आपको। मैंने क्या रखा हुआ है अभी? एक्स नहीं चाहिए भाई, थोड़ा सा ये रखते हैं क्लोज क्वार्टर्स। ये कहाँ आ गया मैं? ये आ चुका हूँ। ओके डायरेक्ट ही दे दिया मुझे श्राइन। यहाँ पे क्या सीन है भाई तेरा? दिस इज क्रिस्टल रिफाइनरी, यू कैन टेक योर क्रिस्टलाइज चार्जेस एंड यूज देम टू। ओ भाई मैंने जो खरीदा था क्रिस्टलाइज चार्जेस 100 चाहिए इसको। डैमिट ओके ऑलराइट, तो मतलब कि हमें बहुत सारे जो जोनाइट है वो इकट्ठा करने पड़ेंगे तब जाके हम लोग कुछ कर पाएंगे इसका। एनी वेज मुझे लग रहा है ये फाइनल श्राइन जो है हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। और ये क्या चीज़ है यहाँ पर? तो यहाँ से रिटर्न करने के लिए मेरे ख्याल से टेम्पल ऑफ टाइम में। ऑलराइट लेट्स डू दिस। मुझे तो हायरूल जाना है भाई, हायरूल में क्या क्या चीज़ें हैं वो देखनी है, क्या चेंज हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नॉर्मल चीज़ें हुई होगी। और अगर लिंक अगर दूसरे टाइम पे आ गया है तो और भी जो कैरेक्टर्स हैं उनमें भी चेंजेस आ गए होंगे। ऑलराइटी द एबिलिटी टू रिवाइंड, ओके तो रिवाइंड के लिए है ये, अच्छी बात है। ओके ऑलराइट समझ गया मैं इधर क्या करना है। ये आएगा तब रिवर्स जाके हम लोगों को वो करना है। ओ ये उबड़ खाबड़ होगा। नाइस इधर जाना है, चेस्ट लेना है उसके लिए, इसका कुछ करना है। ओके चेस्ट वाला तो मुझे सिंपल लग रहा है। यस इट इज सिंपल।
10 एरो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। एरोनाथ यहाँ पे क्या था वैसे? पानी ही है ना? हाँ पानी ही है, मुझे लगा खाई है। ओके तो ये जो हैंड्स है ये जुड़ते हैं, तो खुला था वो। अच्छा ये ऑलरेडी हो गया था। नाइस। एक मिनट, पीछे मुझे लगा पीछे कुछ चेस्ट वेस्ट था। साइंस अच्छे हैं क्योंकि पिछली बार हम लोग जब थीसिस वो सब उसमें मूवमेंट का बहुत काम था पिछले पार्ट में, ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड। इस वाले में ऐसा है कि इसमें दिमाग लगाने का ज़्यादा है मेरे ख्याल से। उस आप ही आगे चल के, मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि आगे चल के शायद श्राइन्स जो है थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं। थोड़े से क्या होंगे ये, आधे लोग तो फ्रस्ट्रेट हो। मैं भी एक दो श्राइन में ऐसा फंसा था ना, फ्रस्ट्रेट हो गया था। ओके रूम ऑफ अवेकनिंग ये हो गया, ठीक है। अब मुझे जाना है वहाँ पे, मैं डायरेक्ट जा सकता हूँ क्या? यहाँ पे ये दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा स्टाइल से जाएंगे अपन। कहाँ गया भाई वो उड़ने उड़ने वाला उड़न खटोला? इससे जाएंगे ना भाई अपन। ऑलराइट, कौन सा वाला यूज़ किया जाए? कोई भी चलेगा वैसे तो। एक मिनट देख लेते हैं। युप युप युप। कुछ नहीं यार यहाँ पे, बट यहाँ ऊपर कुछ हो सकता है। वेट अ सेकंड। ऑलरेडी बेस्ट होप कि मेरा टाइम वेस्ट ना हुआ हो। यहाँ पे कुछ अच्छा चीज़ मिलना चाहिए, जैसे कि एप्पल। थैंक यू वेरी वेरी मच, 20 रुपये के एप्पल के लिए। ओह चेस्ट, थैंक यू। क्या मिला भाई? रूबी दे दो। विंग, अरे यार विंग नहीं चाहिए मुझे। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे विंग्स पड़े हुए हैं और ऑलरेडी जो रास्ते हैं उसमें मिल जाते हैं, बट यहाँ पर क्या है? और उस तरफ भी कुछ दिख रहा है मुझे। अच्छा कुरक सिंह, यहाँ। ये मस्त है भाई, जिसने भी निकाला है ये आवाज, यहाँ। बाय बाय, थैंक यू वेरी वेरी मच। ओके कहाँ था वो? वो देख रहा हूँ मस्त। ये चीज़ क्या है? व्हाट? ये मुझे लग रहा है कुछ अच्छा चीज़ देगा। एनीवेज ये था क्या? दिख रहा था कुछ अच्छा है करके, लेकिन नहीं है यहाँ पे शायद। 20 रुपये का एप्पल, थैंक यू वेरी वेरी मच। 20 रुपये का एप्पल। कौन है वह कर रहा है इसको? मैं वैसे उसका जो कीस आई है ना वो यूज़ करके मार सकता हूँ, बट ठीक है कौन वेस्ट करेगा, आगे कभी काम आ जाएगा कीस आई। आई का कीस, कीस देने का सबको अच्छा लगता है कीस देना। पैराग्लाइडर एक बार मिल जाए, लाइफ सेट है। ओ यहाँ पे अंडा है भाई। ऑमलेट, ऑमलेट खाते रहना चाहिए सबको, बस दो ही मिला। भिखारी समझाएगी। ऑल राइट चलो भाई, इसको रखते हैं हम यहाँ पर और तुरंत भागना पड़ेगा लग रहा है मुझे।
ये चीज बहुत सही दी है यार, मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसी, और मैं इतने ऊपर हूँ। मुझे थोड़ा सा नोज डाइव करना पड़ेगा तो सामने की तरफ खड़े हो के ना। नहीं, इससे ज़्यादा नहीं होता। ओके भाई, मुझे बहुत ही गंदा जो है ना वो करना पड़ेगा, डाइव मारना पड़ेगा यहाँ पे। इसको थोड़ा सा इधर मोड़ना पड़ेगा मुझे। ओए ओए, इतना भी नहीं। ये चीज़ अच्छी है कि सेंटर से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऊपर आया क्या उसके? यस, आ गया। कम ऑन। ये बहुत सही है यार, ये बहुत सही है। कितना इजी हो जाता है कंट्रोल करना। ऑलराइट, लेट्स गो। ड्रैगन सिंघानिया वहां क्या कर रहे हैं? चलो फटाफट दिल बढ़ाते हैं। 4 दिल हो जाएंगे अपन अपने, और हम 4 लड़कियों को दे पाएंगे वो अपना दिल। अरे यार, मुझे वापस से ये करना पड़ेगा क्या? नहीं, अरे कुछ ज़्यादा ही फास्ट करने के चक्कर में। थोड़ा दिमाग लगाने का है FFG, ठीक है, बेवकूफों की तरह नहीं खेलने का। ऑलराइट, सीखें दे ट्राई। ये देखो, फिर हो गया था अभी दिमाग का कचरा। ओए, मैं क्या कर रहा हूँ? यू हैव कॉन्कर्ड द श्राइन्स एंड जो भी है। 4 लाइट्स ऑफ ब्लेसिंग लाए, हार्ट कंटेनर लेने का। 4 लड़कियों को दिल दे पाएंगे हम लोग, एक एक दिल। डा, ओ मैलेस भी वो होता है अभी। ये हुई ना पै उड़ूं। गो एंड ब्रिंग पीस टू द वर्ल्ड। अरे ये वाली गॉडेस जो है बात भी करती है। ऑल राइट, चलो राउंड 2। अच्छा, पानी गिर रहा है मेरे हाथ से। वो पैर, हाथ पैर कांप भी रहे मेरे, ठंड लग गई है। ठंड लग ली मला। See, you have managed to open the door. You haven't fully recovered yet, but that is to be expected. You are almost beyond saving. By visiting the shrines and receiving their blessings, you have mitigated some of the corruption's effects. Though our time together has been brief, I am so happy that we finally met. You are exactly as Zelda said. कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता है स्टोरी बिल्कुल मैं गैस भी नहीं कर पा रहा। Now it is up to you.
कहाँ जा रहा है काले बकरे? रुक भाई, बस इसका नाम बीबी, ब्लैक बकरा। ओके, ब्लैक बकरा इज गॉन। जैसे जेल्डा का पापा जो है चला गया था ना हम लोग को पैराग्लाइडर देने के बाद, वैसे ही सीन हो गया लगता है यहाँ पे। अरे विशल, अपनी हेल्थ तो बढ़ गई है और हमें जाना है यहाँ पर। ओके ठीक है। ये क्या है? नेल है, चढ़ मत। यहाँ पे आई थिंक अपन ये कर पाएंगे। यस, यहाँ पे भी है क्या? है। जी जी ये क्या पीला पीला? इस गेम में सब कुछ इम्पोर्टेंट पीला पीला क्यों है बताओ? वो मास्टर शॉट चमक रहा है। ये लिंक ना जेल्डा के प्यार में कमजोर हो गया था, इसलिए मास्टर सॉर्ड जो है ना टूट गया था। इसलिए बोलते हैं प्यार का चक्कर बाबू भैया। क्या कर रहे छोरे? ओ टाइम, व्हाट टाइम की आवाज है ये? ओ जेल्डा, शिमत्ता, ये क्या हो गया भाई? मैं सही गैस किया था भाई, ये दोनों अलग अलग टाइम लाइन में है। अब मुझे पता नहीं मिलेंगे कैसे, लेकिन ये मुझे लग रहा है पास्ट में है डेल्टा। तो ये ना इस सॉर्ड को ठीक करेगी, और जो अपना विस्लिंग वुड्स है ना, विस्लिंग वुड्स है क्या वुड्स है जहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट टाइम मास्टर सॉर्ड उठाया था, वो वहीं पे रख देगी और हमें फिर से वहीं पे जाके मास्टर सॉर्ड जो है लेना पड़ेगा। नाइस। ओहो हो, ये तो फरोश है ना, फरोश इलेक्ट्रिक वाला ड्रैगन। चाइनीज म्यूजिक, अच्छा। लिंक, लिंक, ब्लड मून इज राइजिंग, यू मस्ट फाइंड मी। ओके, वो पता नहीं कैसे वो पास्ट में ऐसा बोली, बट बोली अच्छे से। टू द किंगडम ऑफ फायर रूल फाइनली ब्रोज एंड ग्रोज एंड ग्रोज एंड। ओके, तो ये पानी में कूदना है हमें। आई थिंक हम कूद पाएंगे, बट यहाँ पर कुछ छूट तो नहीं रहा है। मुझे एक बार जाना था यहाँ ऊपर, क्या है वो देखने के लिए। शुड आई गो और नॉट? अगर कुछ नहीं होगा तो काफ़ी टाइम बर्बाद हो जाएगा, तो हम एक काम करते हैं, लीप ऑफ फेथ करते हैं यहाँ से। तो कैसे करेंगे हम? अच्छा, डायरेक्ट कूदना है हमें। सही तो जा रहा हूँ ना मैं भाइयों? फाइनली हम लोग हाई रूल में छपाक छिपिक करने वाले हैं। यस यस, आई एम सो हैप्पी टू डू छपाक एंड छिपिक। एक आध मकड़ी इसमें में, ओह भाई बच गया मैं, लिली पैड में गिरता तो छपाक से मर जाता मैं। ओके, वट इज गोइंग ऑन ब्रोस एंड क्रोस? हायरूल कैसल की ऐसी तैसी हो गई, गोरॉन के माउंटेन की ऐसी तैसी हो गई है, और रीटो विलेज का समझ में नहीं आ रहा मुझे। उधर है रीटो टबेंता रीजन,
गोरॉन रीजन और रूटा, रूटा इस तरफ था ना। ओ वो माउंटेन जो टूटा हुआ है वो वहाँ पे है। ओ ये ओके, ये माउंटेन के बाजू में हटिनो विलेज था, अपन जाएंगे उधर। मेरे ख्याल से जाना चाहिए हम लोगों को। ऑलराइट, लेकिन हमारा जो ये है ना पॉइंट आउट यहाँ पे कर रहा है। यहाँ पर एक काम करता हूँ, रुको मैं एक काम करता हूँ। मुझे दो जगह इम्पोर्टेंट जाना है, एक तो मुझे वहाँ जाना है और ये क्या है, व्हाट इज दैट। ओके यहाँ पे लगा देते हैं। ओए ऐसी ये टावर्स है क्या इस गेम के, क्योंकि हर जगह मुझे टावर टावर ही है यार। ये क्या है, डब्बा, मेज़ होगा, मेज़ ऊपर आ गया है। गोरॉन विलेज पे जाएंगे हम लोग, गोरॉन का सिटी में। और मेरी जो प्यारी प्यारी रिजू है उसका सिटी नहीं दिख रहा है मुझे, ये शायद इसी तरफ है, डेजर्ट एरिया। ऑलराइट लेट्स गो। मेरे ख्याल से मुझे पैराग्लाइडर जो है ना वो पहले चाहिए, और ये रात का समय है तो यहाँ पे अभी जो कुरकुर कुरकुर आएंगे। डैजल फ्रूट, अ फ्रूट चार्ज विद पावर ऑफ लाइट, पावरफुल लाइट, ब्रेकिंग इट अनलीशेस डैजलिंग स्पार्कल्स दैट ब्लाइंड एनी मॉन्स्टर्स। ओके डैजल फ्रूट याद रखेंगे हम लोग कंकशन देने के लिए। और ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्योंकि इनसे इनसे वो तो नहीं निकल रहा, तो ये ऊपर नहीं जाते होंगे। वो क्या है, बोकू है क्या ये, अच्छा देख रहा है उसको। ये कैसा टाइप का है, ये अलग ही टाइप का है, ये कुछ और ही है। ए, ठीक नहीं। ओए व्हाट, मॉबली नहीं था ये, अच्छा ओ एप्पल लेके घूम रहा है लड़का। ओ मैं उसके एप्पल चुरा सकता था। ऑलराइट मॉबलिन हॉर्न्स वॉन्स मिल रहे हैं, जितना हॉर्न लूंगा तो फिर आप समझ रहे हो ना मैं क्या बन जाऊंगा। मजदार को इशारा काफी। मछली वछली है क्या भाई, हायरुल बास वास जिससे बास आती है। ओके एलियन श्रूम थैंक यू वेरी वेरी मच। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल पड़े हुए हैं चक्के वक्त, अब मुझे पता नहीं कैसे बनाना है तो मैं इसमें ट्राई भी नहीं करूँगा, बट मुझे लग रहा है कि मुझे मेन जो है ना हायरुल कैसल की तरफ जाना चाहिए। ऑलराइट यहाँ से दूर दूर तक और कुछ नहीं दिख रहा है। एक बार अपन अपने को वो मिल गया ना पैराग्लाइडर ग्लाइडर, तो उसके बाद हम आसानी से जो इसका पूरा एरिया है ना वो ट्रैवल कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे घोड़े वोड़े भी नहीं दिख रहे हैं तो पैदल ही जाएंगे अपन, अच्छा लगता है मुझे पैदल जाना, पिछले गेम में भी पैदल ही घूमता था मैं। संडे लायन, व्हाट, वाइल्ड प्लांट दैट ग्रोज इन द सन एट हाई अल्टीट्यूड, सोक्ड इन सनलाइट, इट बैटल्स कैन रिस्टोर हेल्थ डिप्लीटेड बाय व्हेन यूज्ड इन कुकिंग। ओके ग्लूम ब्लाइट नाइस। ओके 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 रास्ते में अगर कुछ मिलेंगे अपने को मारपीट करने के लिए तो हम उसके साथ मारपीट जरूर करेंगे। वहाँ पे क्या दिख रहा है, ओ ब्लाइटेश्वरी, ओ गोरख, गोरख लेने का भाई बात, गलती नहीं करने का। और जो हेत्सु है, हेत्सु हेत्सु जो भी है उसको वो काकोरिको विलेज के पास ही मिलता शायद। ऑलराइट ये अच्छी बात है कि हम लोगों को ये मिल गया, फायर वाले बेरीज द फ्रूट। वहाँ पे कुछ चमक रहा था, यहाँ पे जो स्टेबल्स हैं वो भी, ओ ये क्या चीज़ है, वो श्राइन है वहाँ पर, शाइन का भी लालच नहीं करेंगे हम लोग। ये कितने है, एक है, ओ ब्लूपी, व्हाट ब्लूपी नाम है ना उसका। ये अभी से बैठ गया देख रहा टट्टी करने के लिए। ओए ओए यार तू कहाँ से यार, अकेले में मारता है मैं। एक ही हॉर्न मिले, व्हाट मून,
वो इस इसमें मून आता पिछले पर ज़ेल्डा गेम में मून था क्या था? ओह नाइस। अरे यार मेरे पास पैराग्लाइडर नहीं है ना यहाँ। ओके छः। आई होप कि इसमें 900 कोरोक सीड्स ना हो, सिर्फ होप ही कर सकते हैं अपन। लेकिन क्या है, ये लोग ट्रोल है मौत। पर मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मुझे ये जो ब्लूपी है इसको कहाँ से मारूँ मैं? मेरे ख्याल से वो पेड़ से अगर मैं मारूँगा तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। भागना नहीं बेटा, तू कहाँ भाग रहा है? तू रुक रुक साले। ओ भाई ये हुई ना बात। ओके अच्छी बात है, अच्छी बात है। आ गया वो है, पर यार मुझे ये भी चाहिए था फलदार। वो अंडा भी मिल गया फ्री में। अरे ये भाग क्यों गया तू साले? अरे यार पैसे मेरे पास बिल्कुल नहीं है। ये यहाँ क्यों भागा? लेकिन यहाँ पे क्या है? ओ भाई क्या है, कुछ डेंजर है क्या? ओ देख रहा कुछ तो डेंजर। ओ भाई ये क्या चीज़ है? आई डोंट नो बट कीज आई बॉल यूज करने का टाइम आ गया। ओह पिछवाड़े में लगा उसके। मर गया बेचारा, अच्छा आदमी था। होरी ब्लिन, व्हाट होरी ब्लिन, होरी शिट। ओह ये क्या चीज है भाई यहाँ पे अंदर? Bright clap, a mushroom that grows in caves and contains luminescent enzyme. Cook it with a dish to give a glowing effect to anyone who eats it. Okay. ये पता नहीं मैं क्यों यूज़ करूँगा और कैसे यूज़ करूँगा, बट वो एक सेकंड के लिए लगा कोई भूत भूत का हाथ है, डर जाता है मैं। ओके नाइस। और कुछ है इधर? नहीं। बट इसमें छोटे छोटे केव्स जो दिए ना, एडिशन जो किया है ना, बहुत सही है। वो क्या है? क्या चीज़ है वो? कीस तो नहीं लग रहा मुझे। ओके उसको कीस बाद में देंगे हम लोग। अच्छा यहीं से आया हूँ मैं। ऑलराइट अच्छा लगता है मुझे ऐसा। कहाँ गया भाई? स्टिकी लिजर्ड, नाम तो अच्छा रखा है भाई माँ बाप ने। ये ब्राइट ब्लूम बहुत मिल रहा है हम लोगों को। ऑलराइट तो ये हम असेंड करने का ऐसे फंसने का। ये क्या पकड़ना है इसको? जायंट ब्राइट ब्लूम, हड्डियाँ वड्डियाँ रखे हुए। ट्रैवलर सॉर्ड, इधर ऊपर भी क्या आवाज़ आ रही? ओ ये है, ये हो गया। बहुत चुकुर चुकुर कर रहा था। अरे यार इसका मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया कि ये इसका मतलब क्या है। मतलब ये जो है अचर खुचुर हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ और है शायद, और बड़ा केव है ये। अच्छा निकल चुके। ओ वो क्या क्या चीज़ है भाई? ये क्या चीज़ है? ये नया चीज़ है सीरियसली? ये नकली। एक शॉट में ही ऐसी तैसी हो जाती है। वो देखो आ रहा है।
सोल्जर ब्रॉड शॉट। पर ये सब जो शॉर्ट्स है ना ये काम के नहीं है यार। मेरे पास कुछ ऐसा चीज़ है, ट्रैवलर शॉर्ट ज़्यादा अच्छा है, ब्रॉड शॉट 200 है तो फिर ओके। एक शॉट, दो शॉट मत कर भाई, तीन शॉट में पड़ता है। अरे मेरा टूट गया, बस कर भाई तू। ओके अच्छी बात है, थोड़ी बहुत रुइंस भी है, कुछ है यहाँ पर। क्लेमोर के जैसा लग रहा है। ब्रॉड शॉट है तेरी। ये क्या चीज़ है, स्क्वायरल ये कहा है भैया, रस्टी हेलबर्ड। हाँ ओके, इसमें कुछ माल नहीं है। चलो एरो ले लिया जाए। मेन चीज़ ये है ना कि इसमें बॉक्स में ना 5 से 6 एरो जो है मिल ही जाते हैं। ऑलराइटी बहुत हो गया घुमक घुम गिमिंग गिमुंग जो भी छिपिंग छुपूंगा। वेल वेल वेल, इसमें कोरॉक सीड वाला है क्या? ओए व्हाट, ओ भाई ये क्या चीज़ है यहाँ पर, फिश है ये? ये देखो 5 जो मैंने मिल, मर गया कि नहीं मरा है वो? मर गया ना। ल्यूमिनस फिश दैट लिव्स इन डार्क केव्स व्हेन कंज्यूम्ड लाइट एंजाइम कैन मेक वंस बॉडी ग्लो। अच्छा तो बेसिकली ये जो है, और जो वो वाला जो फूड मिला था जो जिससे किसी का भी शरीर लाइट का बन जाता है तो वो डार्क केव के लिए। ओ भाई ये स्टिकी स्टिकी भी है यहाँ पर स्टिक को। चलो आए हैं तो ले ही देते हैं इसको, क्या पता आगे मिले ना मिले। अबे कहाँ गया? व्हाट, कहाँ गया ये? ओके कोई बात नहीं कोई बात, मैं इससे पहले कि ओ ये व्हाट, अच्छा ब्रांच है। ओके तो एक पत्थर दी हुई है, अपन एक काम कर सकते हैं। मेरे पास कोई है वेपन? हाँ है ना भाई, इस पर किया जाए। ओके फ्यूजेश्वरी करना पड़ेगा हम लोगों को। ऑलराइट चलो, वो माल ही माल मिलता है भाई यहाँ पर। 2 एम्बर, मुझे लग रहा है ना इसका बहुत फायदा होने वाला है। अरे यार ये जो है बहुत ही जल्दी भागते हैं ये और हुआ। ओके बहुत जल्दी ही भाग जाते हैं लोग। एनीथिंग एल्स इन दिस केव, बट मैं निकलूंगा कैसे? ओ ओ ओ ओ इसको कैसे तोड़ा जाएगा? इसको फेंकूंगा तो ये फूट जाएगा। एक मिनट, थ्रोइंग स्पीयर है ना मेरे पास? व्हाट ये क्या था, ये आग कैसे लगा इसमें? अरे ये आग कैसे लगा? ओह
ओके चलो कोई बात नहीं, यहाँ से निकलने का टाइम हो गया आई थिंक। नथिंग एल्स देयर। मैं टेंशन में आ गया था कि मैं निकल के कैसे नहीं पा रहा हूँ पाऊँगा। ओके तो एक चीज़ समझ में आई मुझे, केव्स ये जो है वेल उसमें भी कुछ ना कुछ रहता है, तो ये हमें याद रखना है। चलते हैं हम लोग, ये देखो इस चल रहा है मस्त। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू बट आई एम इंटरेस्टेड इन यू। व्हाट आर यू? हाइरूल हर्बू। ओके लेट्स गो। वो यहाँ पे टावर दिख रही है, मेरे ख्याल से वहीं जाना है क्या हम लोगों को? यस आई थिंक वहीं पे जाना है। बट बहुत खाली खाली महसूस हो रहा है यार ये जो। ओह वो अब स्काई आइलैंड जाने के। अच्छा मुझे लगा कोई बांसुरी बजा रहा है। ऑल राइट हाँ वुड इट बी? यस टिंकू इट्स यू, यू आर बैक, वेयर हैव यू बीन? लेट द एनिमल सॉ लास्ट दैट एनिमल सॉ ऑफ ईदर यू एंड मिस्टर ज़ेल्डा वाज प्रिंसेस ज़ेल्डा वाज व्हेन यू वेंट टू द इन्वेस्टिगेट द ग्लूम एंड देन द कैसल रोज इनटू द स्काई एंड एवरीवन्स बीन सो वरीड अबाउट व्हाट हैपेंड टू यू बोथ। पूरा 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 का पूरा Yura has nearly worn herself out trying to figure out where you two went. एक चार करोड़ साल पीछे चली गई, एक चार करोड़ साल पीछे नहीं गया, वहीं रहा। Yura is working on that large building over there. Okay, nice. Please report to her right away. She will want to know. Okay. Okay. तो ये लोग, इसको तो मैं देखा हूँ, ये मुझे याद नहीं। रोज़ा जो है ये बुढ़ा भी मुझे याद है क्योंकि ये स्टेबल के पास रहता है, तो ये शायद स्टेबल वाली कुछ चीज़ कर रहा है, प्यार वाली कर लो लड़ाई वाली। टॉर्ची, ओके टॉर्च की ज़रूरत पड़ेगी, अपन कुछ फेंक के ले लेते हैं टॉर्च। आई थिंक टॉर्च की ज़रूरत नहीं पड़ सकती एक्चुअली। ओके लेट्स टेक दैट टॉर्च। देखा गया आते ही चोरी चोरी चालू हो गए, चोरी चोरी छुपके छुपके। बहुत सारी जगह है जाने के लिए, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे जाने मतलब बात करने के लिए, बट मुझे जाना कहाँ पे है? ये क्या चीज़ है? ये एक टावर है बट अपना जो टावर है वो डिफरेंट ही होता है, यहाँ कुछ अलग ही चीज़ है। ओके ये अभी कुछ नहीं एक्टिवेट हुआ है, मुझे लगता है वो उससे बात करनी ही पड़ेगी मुझे, पुरेश्वरी से। ये पूरी डॉक लुक्स बिजी। ये कौन है भाई? इसको कब, इसको शायद नहीं देखा हूँ मैं। जोशा है, बहुत जोश वाली है। दैट हेयर दोस आइज डॉक डॉक्टर प्यूरा द सॉर्डमैन, द सॉर्डमैन हैज रिटर्न। ओके ओ भाई ये तो बड़ी है ये। Linky, you're not a ghost, are you? Hey, that looks interesting. Phew. One step at a time. देख रहे हैं भाई। What exactly happened? भाई प्यूरा तो छोटी बच्ची थी, उसने कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, फिर उसके बाद वो बड़ी नहीं हो पाई पिछले पार्ट में। ये इसमें बड़ी कैसी है? टाइम कौन से टाइम का है ये गेम? मुझे नहीं पता बट हम पता लगाएंगे आगे के एडवेंचर में। So when you and Princess Zelda go beneath Hyrule Castle, you discover a mysterious mummy.
which suddenly reanimates. Then, Zelda falls into a fissure and vanishes. That must have been when the castle rose and the ruins fell. Then, later, you wake up on a sky island, saved by the arm that was stuck to the mummy. You get the Pourapad from an unusual creature. And learn that your new arm belonged to someone named Rauru. The Master Sword disappears. You hear the princess's voice and find your way here. Huh? Then? What? Are you saying you came from up there? अबे यहाँ पे sky island कैसे दिख रहा है? Last time नहीं यार कि बताऊँ actually मैं last game बोल रहा हूँ ना, but last game में बहुत सारी चीजें नहीं थी जो नहीं होनी चाहिए, जैसे कि ये Pura जो है, वो बहुत ही छोटी बच्ची जैसी थी, टिक्की ऐसे करती थी वो. Are they one and the same? So much of this doesn't make sense yet. But I'm certain that mummy you found under the castle must be related to the upheaval. The castle rising up, the ruins falling down from the sky. The mummy must be connected to it somehow. And then there's the most important detail of all. You are sure that you heard the princess speak to you. And she gave you a clear message to find her. That truly was the princess, then that means she is alive. Maybe she is trapped beneath the castle and needs help. That settles it. I know you only just returned, Link. But I need you to meet with a search party up by the Hyrule Castle. They have been searching tirelessly for you too. The captain in charge of the search team is Hawes. Work with him to find the princess as quickly as you can. I know that mummy may still be lurking somewhere around there. Which is concerning, to say the least. But we have more immediate problems to deal with right now. I'm counting on you, Linke. ये बड़े प्यार से बोलते हैं यार. मुझे बहुत ही सही कैरेक्टर लगी है अभी तक की, जो Pura है ना इस गेम में. Pura हो गया, रॉबी थोड़ा सा इरिटेटिंग है बट अच्छा है रॉबी भी. बाकी टैबा है, फिर रेजू है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हैं इस गेम में. ओके तो एक क्वेस्ट जो है हमारा कंप्लीट हो गया. टू द किंगडम ऑफ हायरूल, क्राइसिस एट द हायरूल कैसल. चलो मैं दो लड़कियों के बीच में खड़े होऊंगा, डूड बनूंगा, डूड स्टड. ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं क्योंकि एक घंटे के ऊपर हो चुका है. और हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पर हम जाएंगे हायरूल और वहाँ पे थोड़ा खोजबीन करेंगे और थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन करेंगे आजू बाजू क्या चीज़ है. बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. थैंक यू.